वेलकम टू बर कुकिंग इस वीडियो में मैं मटन या गोश्त को फ्रीज़र में फ़्रीज करने का तरीक़ा बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप प्रिज़र्व करके रखेंगे गोश्त तो बहुत ही फ्रेश रहेगा छः से सात महीने तक या उससे भी ज़्यादा आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो अक्सर लोगों की यह शिकायत होती है कि जो फ्रीज़र का वाला गोश्त होता है उसका टेस्ट ऐसा नहीं आता है जैसे हम फ्रेश गोश्त को पकाते हैं तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक टिप्स को फॉलो करिए तो आपका भी गोश्त इसी तरह से फ्रेश रहेगा तो सबसे पहले तो आपने गोश्त को मटन को छन्नी में रख के इसका सारा पानी निकाल लेना है इस तरह से इसको ड्राई कर लेना है पानी रहेगा तो बर्फ जमेगी और गोश्त खराब होगा इसके अलावा आप इसको अच्छे से साफ़ भी कर दें गोश्त को जितना हो सके उतना और उसके बाद में इसके छोटे छोटे पैक्स बना लें इस तरह से तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं वो मैं आपको एक्जाम्पल की तरह शेयर कर रही हूं तो गोश्त प्रिजर्व करने के लिए आपने छोटे छोटे पैकेट्स लेने हैं और उसमें गोश्त रखना है गोश्त रखते वक्त ये आप ख्याल रखिए कि हड्डी वाला गोश्त अलग रखें और बिना हड्डी वाला गोश्त थोड़ा सा अलग रखें क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है उसमें आप जितना भी पानी निकाल लें उसमें मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा बर्फ जमता है लेकिन जो इस तरह से बोनलेस रहेगा वो बिल्कुल इस तरह से सॉलिड रहेगा और बहुत ज्यादा दिन तक ये खराब नहीं होता अब इसको आपने डबल कवर करना है देखिए इस तरह से पहले आप छोटे कवर में रखिए उसके बाद में एक और और कवर में रखिए इस तरह से ये आप जब कवर्स में रख के गोश्त रखेंगे मटन रखेंगे तो फ्रीज़र की जो ठंडी हवा रहेगी वो डायरेक्ट गोश्त को नहीं लगेगी और वो ख़राब नहीं होगा अब देखिए इसको मैंने एक और कवर में रख दिया है यानी कि कम से कम दो से तीन कवरों में आपने गोश्त को प्रिजर्व करके रखना है इससे एक तो ये जो बर्फ़ है इसमें गोश्त में पानी नहीं रहेगा तो उसमें बर्फ़ जमा नहीं होगी आइस नहीं रहेगी उससे भी ये फ्रेश रहेगा और जो फ्रिज की फ्रीज़र की ठंडी हवा है वो भी नहीं लगेगी जैसा कि फ्रीज़र की जैसे ही ठंडी हवा मटन को लगती है तो मटन के जो मसल्स होते हैं वो जम जाते हैं और उनका टेस्ट खत्म हो जाता है लेकिन इस तौर पे आप रखेंगे तो ये मटन जो है वो काफ़ी हद तक फ्रेश रहता है तो देखिए मैं निकाल के आपको बता रही हूँ एक और बार तो जो हड्डी वाला मटन है कोशिश करें कि आप उसको निशानदेही कर लें कि ये मटन हड्डी वाला है और वो आप पहले ख़त्म कर दें क्योंकि हड्डी रहने की वजह से थोड़ा सा आइस जमेगा इसमें क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो हड्डी वाला गोश्त आप पहले ख़त्म कर लें और उसके बाद में जो बोनलेस है आप उसको बाद में ख़त्म करें और गोश्त को जैसे ही आप थो करने के लिए रखते हैं तो बहुत सारे लोग इनको पानी में रखते हैं लेकिन आपने इस तरह से नहीं रखना है बल्कि पकाने से एक डेढ़ घंटा पहले आप इसको निकाल के रख दें तो इस तरह से ये थॉ हो जाएगा और डीफ्रॉस्ट हो जाएगा इस तरह से भी गोश्त का जायका बिल्कुल जू का तू रहता है अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इस तरह से कवर पानी में रख के इसको डिफ्रॉस्ट या थॉ कर लें और बाद में आप गोश्त का मज़ा लें तो जैसे ही आप अपने रेसिपीज के हिसाब से गोश्त हड्डी वाला या बोनलेस निकालते जाएँ और यूज़ करते जाएँ मेरी इस टिप्स को तो आप इस तरीके को फॉलो करके देखिए इन आपका गोश्त जो है छः से सात महीने तक भी ख़राब नहीं होगा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा अगर यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आप गोश्त को साफ़ करने का तरीक़ा दे, देखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए मैं इनशाला ज़रूर आपसे शेयर करूंगी